केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिहार के गठबंधन सरकार को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव को हिम्मत है तो वो 2023 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव कराकर देख ले, जनता किसके साथ है यह पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि वे तेजस्वी और नीतीश को खुली चुनौती दे रहे हैं, वे चाहे तो समय से पहले चुनाव कराकर देख ले बिहार की जनता किसके साथ है पता चल जाएगा। साथ ही कहा कि लोकसभा चुनाव ने गठबंधन का सुपड़ा साफ होना तय है। महागठबंधन सरकार के आने के बाद 1400 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। बिहार के बजट का 75% अंशदान केंद्र सरकार देती है और इसमें भी अवरोध पैदा किया जा रहा है। फिर उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा विकास की बात करती है। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 25 फरवरी को बिहार के कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। एक कार्यक्रम आम सभा की है जो वाल्मीकि नगर लोकसभा में आम सभा को संबोधित करेंगे, साथ साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद वहाँ की कोर कमेटी के साथ वहाँ बैठेंगे, वाल्मीकि नगर के लोकसभा के कोर कमेटी के साथ। फिर उसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर, जयंती पर यहाँ किसान मजदूर समागम में सम्मिलित होंगे। तो कई कार्यक्रमों में माननीय गृह मंत्री जी सम्मिलित होंगे, इसमें बिहार में आ रहे हैं। महागठबंधन का यह आरोप कि वह प्रेम की वर्षा करेंगे, कितनी प्रेम के वर्षा करने का उनका इतिहास है यह सब जानते हैं, समझे ना। पहले वो आपस में एक दूसरे के महागठबंधन के दल पर तो प्रेम की वर्षा करें और विश्वास करें, जनता को तो हमेशा उन लोगों ने धोखा ही दिया है, अभी भी धोखा दिया। 2020 में बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके नीतीश कुमार जी, चूँकि साथ में हम लेकर चले थे तो उनको मुख्यमंत्री हम लोग घोषित किए थे, मुख्यमंत्री उनको बनाए भी, बीच में उन्होंने